हाय एवरीवन तो आज हम लोग करने वाले हैं इरोडो का प्रॉब्लम नंबर 1.43 इरडो तो काफी इजी क्वेश्चन है देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं अ पार्टिकल ए मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर एक पार्टिकल ए है वो एक सर्कल में मूव करता है जिसका की रेडियस पॉइंट फाइव मीटर ऐसा यूनिट में रहने देते हैं सपोज उसका इस सेंस में रोटेशन है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है ठीक है और आ,

लोकेटेड एट इट्स पेरीफेरी जो सर्कल के पेरीफेरी में एक पॉइंट ओ है उसके रेस्पेक्ट में ओमेगा दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर नहीं दिया हुआ है जब भी हम लोग कुछ भी नेम करते हैं हम लोग बोल देते हैं सपोज दिस इज सी सी ओमेगा टू बोलते हैं हम लोग बट अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि एक पेरीफेरी में एक पॉइंट ओ है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ए पॉइंट की ओमेगा की बात कर रहे हैं ठीक है क्लियर है तो ये चीज बेसिकली मुझे दिया हुआ है पॉइंट फोर रेडियन पर सेकेंड

दैट इज इक्वल टू लेंथ ए सी ये चीज हमें दिख रहा है तो मैं बोल सकता हूं दिस एंगल इज थीटा अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूं तो मैं दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा आइसोसेंगल अब अगर ये दोनों थीटा है तो मैं इसको थोड़ा सा अगर आगे इस तरह से बनाऊंगा तो ये एंगल भी टू थीटा है एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले दोनों दुन, एंगल का सम तो ये थीटा थीटा टू थीटा बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया व्हाट इज ओमेगा ओमेगा हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं देखो या तो मैं बोल सकता हूँ कि सपोज इसकी जो पार्टिकल की रेडियस वैक्टर है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में डायरेक्शन तो इस, इस में तो या तो मैं वेलोसिटी का ले लू जो कि इस आर के परपेंडिकुलर हो तो वी परपेंडिकुलर अपॉन आर में वहां से बोल सकता हूँ या फिर दूसरा मैं बोल सकता हूं ओमेगा दैट इज इक्वल टू ये जो थीटा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है डी थीटा बाई डी टी तो मुझे ये वाला ज्यादा इसमें कन्वीनियंट लग रहा है उससे भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि उससे नहीं कर सकते तुम तो उससे ट्राई करो मैं इससे इससे सॉल्व करता हूं ये भी है इसमें ओमेगा टू डी तो थीटा ये थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है दैट इज ओमेगा ओमेगा रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू टू पॉइंट पॉइंट ओ ओ हम लोग बोलते हैं और ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट इज डी थीटा बाई डी टी तो अगर हम लोग निकालना चाहें

क्ट में ओमेगा उमेग, दी हुई है ओमेगा विध रेस्पेक्ट रस्प, टू तो पॉइंट ओ ठीक है तो ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू तो पॉइंट सी सेंटर के रेस्पेक्ट में इसकी जो ओमेगा हो गई दैट दैट विल बी टू टू टाइम्स ऑफ ओमेगा ओ इज इक्वल रेडियन पर सेकेंड मतलब सेंटर के रेस्पेक्ट में इसकी जो ओमेगा है दैट इज रेडियन पर सेकेंड अब ये ओमेगा आ गई तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल ठीक है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वीक्वल टू ओमेगा ये तो सिंपल है वी क्वस्ट टू ओमेगा आर से इसकी वेलोसिटी निकल जाएगी ओमेगा आर ठीक है ओमेगा कैपिटल आर लिखता हूं मैं यहां से वी क्वस्ट टू ओमेगा आर तो ओमेगा की वैल्यू है मेरे पास में पॉइंट एट इन वट इज आर आर इज पॉइंट फाइव तो यहां से हम लोग इसको पॉइंट फाइव मीटर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू ये वेलोसिटी आ गई ये होगी पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड इस तरह से इजीली हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं अब नेक्स्ट में क्या पूछा मॉडल पार्टिकल हमने निकाल लिया मॉडल टोटल एक्सिलेशन तो देखो अगर हम लोग टोटल एक्सलेशन की बात करें ए टोटल तो ए टोटल के दो कॉम्पोनेंट हो सकते हैं एक तो सेंट्रीपिटल होगा अगर वो सर्कुलर में होगा तो एक तो सेंट्रीपिटल एक्सिलेशन होगा और दूसरा टेंजेंशियल एक्सिलेशन होगा इन दोनों का वैक्टर सम होगा बेसिकली ए टोटल अब मैं बोल रहा हूँ एक्सलेशन तो जीरो है ये टेंजेंशियल एक्सिलेशन अब जीरो क्यों है क्योंकि इसकी जो ओमेगा है सेंटर वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है ठीक है अगर ये ये ओमेगा सी इज अस्टेंट वैल्यू दैट मीन हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है नहीं अगर जो हम लोग बात करें वो अगर कॉन्स्टेंट है तो बोल सकते हैं कि स्पीड इज कॉन्स्टेंट स्पीड इज कॉन्स्टेंट जो हम लोग वी बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड इज कॉन्स्टेंट अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है दैट मींस ये टेंजेंशियल एक्सोलेशन इज जीरो बस मेरे पास सेंट्रिपिटल एक्सोलेशन जो कि होता है वी स्क्वायर बाई आर कैपिटल आर और ये वेलोसिटी मुझे ऑलरेडी दी हुई है पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है वी स्क्वायर दैट मींस पॉइंट फोर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर दैट इज पॉइंट फाइव ये हो गया आ, ये हो जाएगा पॉइंट वन सिक्स और 0.5 को मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर सकता दिस इज नथिंग बट पॉइंट पर सेकेंड तो ये मेरे पास में टोटल एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड आ जाती है और डायरेक्शन किधर होगा तो क्योंकि इस पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं है इसलिए जो भी नेट एक्सेलेरेशन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा डायरेक्शन ये टुवर्ड्स द सेंटर इस तरह से हम लोग बना सकते हैं ओनली एक्सेलेरेशन तो है इसके पास टेंजेंशियल तो है नहीं तो so, uh, इसकी जो टोटल एक्सेलेन बोले या सेंट्रीपेटल एक्सलेसन बोले उसकी मैग्नीट्यूड है दैट इज पॉइंट थ्री टू एंड दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू सो मच